एक साथ आ गए यार दोनों, चाहे तो हम इसको गिरा सकते हैं। हेलो डीजी फैमिली, आप सबका दोबारा स्वागत है Assassin's Creed के इस सेकेंड एपिसोड में। लास्ट एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। आपको बताता चलूं कि लास्ट एपिसोड में एडवर्ड जो हमारा इसमें प्रोटैगनिस्ट है, उसने एक असैसिन था उसका इसने भेष बदल के अब ये जा रहा है हवाना को गवर्नर से। जो अवार्ड उस असैसिन को मिलने वाला था वो अवार्ड अब ये खुद लेगा। तो चलिए इस जर्नी को पूरा करते हैं और इसमें हम लोग एक तरह से पायरेट का भूमिका निभाएंगे। तो चलिए रेडी करते हैं। प्लीज़ अगर नए हो, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर फेसबुक पे हैं तो प्लीज़ प्रोफाइल को फॉलो ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बात है ना। चलिए वापस आ गए, अब हम लोग हवाना की तरफ जा रहे थे उस व्यापारी के शिप में करके। साउंड अगर ज्यादा तेज हो प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा, तो नेक्स्ट टाइम से मैं साउंड थोड़ा कम कर दूंगा। क्या बात है यार, वाह। ब्रिटिश जहाज है ये तो। हवाना में आ गए हम लोग मर्चेंट का शिप लेके। हवाना क्यूबा 1715। See someone you know? No, just putting on a friendly face. I shouldn't want to be mistaken for a pirate again. Right. Flash rogue like yourself must be cautious. Yeah. अगर अभी तक आप लोगों ने लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो इसका फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद इसको देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा आपको, क्योंकि आपको तब स्टोरी थोड़ी समझ में आएगी। Mad to think Spain and England were at war 2 years ago, isn't it? Here I am, bartering with Spaniards like they were my cousins. ये स्पेन का भी अधिकार क्षेत्र में है। Nothing wrong, Duncan. यहाँ स्पेनिश है। और हम लोग ब्रिटिश जहाज में करके आए हैं। I'm dying for a quick kip. ब्रिटिश मर्चेंट है। Or a siesta, should I say? I'm just headed to a public house now to meet some merchants. Well, lead on. 1715 में क्यूबा जो था वो स्पेन के अधीन था। चलिए टेड बॉनेट का हमें पीछे पीछे जाना है। ओके चलो। They don't take kindly to pirates here, do they? Wonder how many stolen reals bought these men this perch. ये तो कही हमने लास्ट टाइम में ट्रेजर जो वहाँ पे ट्रेजर हंट कर लिया था, तो हमारे पास काफी पैसा आ गया 2131। ये देख रहे गन्ने यहाँ पे, या फिर शुगर केन कहते हैं यहाँ पे, शुगर की ये लोग बिजनेस करते हैं। स्पेन वाले हैं, स्पेनिश, क्योंकि क्यूबा से, क्यूबा जो था हमारा शुगर के लिए ही था। यहाँ पे शुगर केन काफी उगाई जाती है। क्या सिटी बनाई है भाई। Twin devils. यहाँ से तलवार खरीद सकते हैं। बाय पेयर ऑफ सोर्ड, हमें क्या यहाँ से सोर्ड खरीदनी पड़ेगी। सेट बता रहे हैं, नहीं पूरा दो रहते हैं क्या। ब्रिटिश यही मिल रहा है अभी, अभी कोई अनलॉक आया नहीं। 800 का है ये, ले लेते हैं। चलिए That's a better fit for me. How do you fare? I had only enough for a small knife, sadly. अच्छा मेरे पास सोर्ड नहीं थी क्या, पेयर क्यों बताया, दो हैं क्या। एक ही तो है यार। Oh no matter. I'll get us a better view. What are we looking for? A tavern with a sort of courtyard interior. अच्छा मुझे रीच ऊपर जाना है इस पे।
चढ़ना है ऊपर, यहाँ से चढ़ सकते हैं। यहाँ से नहीं चढ़ सकते। कुछ चढ़ने वाला नहीं है ना यहाँ से। ये रहा, every finger's a fish hook, that's how you tell a true sailor. Yes, a fine way to put it. Oh. चलिए भाई, सिंक्रोनाइज तो मैंने कर लिया। I think I see the place. We're not far. क्या हो गया? क्या हो गया? Hang tight. Oh, he's got me blind. Go, go. What do I do? Oh, I can't breathe. I think my heart. Stop or I'll break your knees when I catch you. यार ये तो मुश्किल में पड़ गया। You robbed the wrong man, mate. A fellow with dangerous friends. वापस जा रहे हैं। चलो व्यापारी। You're alive. Of course I am. That filch was no fuss. Oh, yeah. Ah, we've arrived. ये स्पेनिश जितने हैं यहाँ पे आसपास, ओके, टैवरन में आ गए हम लोग। Take your time. I'll be just here. यार ये तो बदमाश लग रहे हैं सबके साथ। वेल्शमैन, क्योंकि ये वेल्श है। Bide my time. Till the next war caused me to service. British वाले हैं ना, वेल्श वाले, वो हैं ये, इसीलिए। किंग जॉर्ज उस समय राजा था वहाँ का, कि ब्रिटेन का। Senior face before. ये स्पेनिश हैं ये लोग। Use mates with them pirates down in Nassau. Shut your fucking mouth. Wow. ये जानता है कि ये पायरेट है एडवर्ड को। ये एडवर्ड की ओरिजिनल आईडी को जानता है। इसको मार देना पड़ेगा यार। ओ भाई साहब, यू वांट टू डस्ट अप, आई विल गिव यू। कम ऑन लैड्स, आई हैव सीन बिगर आर्म्स ऑन अ बर्ड। वाह, ये अच्छा है। खाली यही करना है। ये भी अच्छा यार, सिखा अच्छा रहे। मैंने यार ट्रेनिंग अच्छी ले ली, क्या बात है। वाह वाह वाह, ये अच्छा था, अच्छा हुआ सीख गया। ट्यूटोरियल ले लिया मैंने। ओ भाई साहब, स्पेनिश पुलिस आ गई यहाँ की। कहीं छुप जाना है, हाइड द सेफ। कुछ तो छुपने के लिए है, दिख नहीं रहा यार मुझको। Un blanco claro.
मिशन कंप्लीट हो गया, वाह। टैकल द पिक पॉकेट हमने किया नहीं यार। शिट मैन, ये पिक पॉकेट कैसे करना था? चलिए ओके। कुछ है ऊपर, यहाँ शो हो रहा है, ये रहा। अच्छा यहाँ से जाना है ये तो। अरे यार तुरंत तो गिर गया। देखा ये सब चीजें मेरे हिसाब से खरीदने के काम आएंगी। एनिमस फ्रेगमेंट है ये। ये रहा उस जमाने का स्पेनिश झंडा। इनको हम क्या हायर कर सकते हैं? हाँ अच्छा 150 आर जो भी है उसमें हम लोग हायर कर सकते हैं इनको। कुछ पिक पॉकेट का है ना। ऊपर आ तो रहा है। हाँ कुछ पिक पॉकेट का आता है यहाँ पे, मैंने देखा अभी। अबे पुलिस वालों के सामने हमने कर लिया। अच्छा ज़्यादा दूर निकला हो तो बच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब यहाँ देखिए पायरेट को कैसे लटका के इन लोगों ने रखा है। इसके अंदर लिख रखा है पायरेट बी वेयर। ये लोग पायरेट को ऐसे लटका देते हैं, इनको अगर मालूम चल गया ना इसी तरह पिंजड़े में डाल के लटका देंगे भाई। चलो भाई अब हमारा जो मिशन है नेक्स्ट मिशन की तरफ चलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? यहाँ दिखा रहा है यार। मुझे लगता है मुझे उसी मर्चेंट के पास वापस जाना है कि उस तरफ दिखा रहा है शिप की तरफ। हाँ ये रहा। Sorry about the swift exit. Bit of a misunderstanding. One heap to put another. Oh Jesus. Oh भाई साहब मारा है इसको, लगता है पुलिस वालों ने पकड़ के। I'm only trying to keep these Spanish eyes off me. Oh, it's no bother. Regrettably, the soldiers confiscated my sugar when your dispatches. Damn! And where have they gone? Haven't the foggiest idea, I'm afraid. I suspect those chaps might, but my Spanish is wee mal dad, so I'd rather not ask. Shit. Oh bhai. All right, come on, let's follow them and recover my maps. And my sugar? What, in my drawers? We'll see what happens. वो जो शुगर वगैरह था ये लोग सब ले गए और उसका मैप भी ले गए। चलिए भाई You don't mind me tagging along, do you? Not if you keep quiet and stay out of sight. ¿Cómo podría aliviarme? Pull it. I believe I'm getting the hang of this. Quiet. कुछ 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 फास्ट चला जा रहा है। Hang back. Ooh, perhaps we should split up to confuse them. The best idea you've had today. ज़्यादा पास नहीं जा सकते उनके हम। Buenos dias, señores. You're late. Yes, sir. See ya.
We're very sorry. Our captain delayed us. Domine. This will be Captain Mendoza? Yes, sir. He's very excited to meet you. Only he must be present for a hanging, señor. Hanging? Oh, I love a good hanging. Yes, sir. Very nice. If we hear the bell, we may go. If you like. इनके पास कैसे जाएं यार? ओ भाई, ऐसे मत करो। शिट, भाई जान ला ले। Captain Mendoza is happy to pay you. We have food to sell, sugars and such. Excellent. उस पार जा रहे हैं यार, ये इधर से हम जाते हैं ना, वो उस पार जा रहे हैं, हम भी इस पार निकल जाएंगे। ओ भाई देख लिया तो मिशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अबे यार देख लिया था, अभी वाट लग जाती। ओ भाई शिट मैन, एकदम पास से निकल गए यार। ये लोग वहां से निकले यार। वो जा रहे हैं थोड़ा, उसमें 20 सेकंड का वो हो जाता है शुरू। अरे ये लोग इतना छुप छुप के क्यों जा रहे हैं यार? जा कहा रहे यार ये दौड़ के? हम सोच रहे ऐसा ना कूद के उन्हें पास गिर जाए। यार पूरे मुझे हवाना के चक्कर लगवाएंगे क्या? तुलन पलट के देख लिया यार, कन्वर्सेशन कैसे सुने हम। How long will this hanging take? ये अच्छी चीज है यार, इनको हम साथ में रख सकते हैं अपने। Captain Mendoza needs only to hang the man, then he will deliver your payment. वाह यार ये अच्छा चीज मुझे मिल गया। What goods? Things I can sell, tobacco, rum, sugar. See, we have much fine sugar. Great, we took off a fat Englishman last night. वो देखिए एक को लटका रहे हैं ये लोग। Oh shit man. Planeaba regresar a Elche, al menos durante.
हट हट भाई। चाबी स्टील करनी है यार। ऐसे तो हम नहीं कर पाएंगे ना। ये बाहर आए तब पकड़ते हैं इसको। इससे मुझे इसकी चाबी छीननी है, मतलब चाबी इससे किसी तरह से। मैं सोच रहा हूँ इन लोग को यार थोड़ा दूर लेके चलते हैं। आओ मेरे मेरे साथ आओ सब लोग, क्योंकि यहाँ से मुझकी जेब से निकालना है मुझे यार। ओ भाई तब तरफ तो इनकी फोर्स है। कुछ लगा क्या? देख लिया उन लोगों ने ना। अरे भाई निकल जाएगा मेरा चाबी वाला। हम बाद में आते हैं, रुक जाओ भाई। भाग भाग भाग। इसकी यार कैसे निकाला जाए? चलो भाई ये तो हो गया, चाबी तो मिल गई भाई किसी तरह से। वापस भागो। क्या मारा वैसे मैंने यार उनको, है ना? अरे इधर से कहाँ जा रहे हैं? इधर तो जाना ही नहीं है, वो तो गलत रास्ता था। ओ भाई इसके अंदर जाना पड़ेगा। स्पैनिश बोल रहे हैं, स्पैनिश के अंदर अंतर्गत है ये सारा।
यहाँ से चढ़ा जा सकता है ना, इसको हम सोच रहे पहले लुढ़का देते हैं तब जाते हैं। खतरनाक ही जगह है भाई। ओ भाई यहां से नहीं चढ़ सकता क्या? अब आए, इसको घसीट के नीचे गिरा देंगे। आए बस इधर, अबे दो लोग हैं यार। एक साथ आ गए यार दोनों, चाहे तो हम इसको गिरा सकते हैं। आए पहले तब मारेंगे इसको। स्टेल्थ मिशन करने मजा बहुत आता है वैसे। आ रहा है अब इसको मारना पड़ेगा। इधर से तो कोई नहीं आ रहा ना। दो लोग हैं यार वहां पे। वो स्नाइपर है यार, अबे नहीं यार। चल 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 चल, हाँ वाओ मिल गया मेरा सामान जिसे लेके मुझे गवर्नर के पास जाना है। ये अगर ना होता तो मुझे गवर्नर रिवार्ड भी ना देता। और यहाँ ओ भाई मार मर्चेंट की वहाँ पे शुगर रह गई। मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। ये मर्चेंट का शिप है यहाँ पे जो हम लोग आए थे। चलो भाई। Sorry about the sugar. I've only one pair of hands. Oh, it's no great loss. I've got
Plenty of cargo here to make a profit on my trip. Will you stay here long? For a few weeks, yes. Then back to Barbados, to the tedium of domesticity. Don't settle for tedium. Sail for Nassau. Live life as you see fit. Haven't I heard that Nassau is prawling with Edward pirates? Edward is saying that you go to Nassau. It's a very tawdry place. Not tawdry, liberated. Oh, God. That would be an adventure. But no. No, I'm a husband and a father. I have responsibilities. Life can't be all pleasure and distraction. I'm not an adventure. I'm not a father. I'm not a father. So I can't do this. Bonnet. The name's Edward, in truth. Naam bata diya isne. Duncan's only a handle. Ah. Wow. Secret name for your secret meeting with the governor. तेरा सीक्रेट नाम रखा है तुमने एक गवर्नर से मिलने के लिए. नाम बता दिया इसने अपना एडवर्ड कि मेरा नाम एडवर्ड है, मैं डंकन नहीं हूँ. चलिए भाई, अगर आप लोगों को मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर फेसबुक पे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा. चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए आप सबको टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू.